हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ चटनी वाला, वो बहुत ख़ास रेसिपी है और बहुत लाजवाब और टेस्टी होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर देखिए। ये है दही वाली पुदीना की चटनी की रेसिपी, जो हर खाने को स्वाद बढ़ा देता है और हर मौसम में खाए जाते हैं। तो इस चटनी को हम कैसे बनाए हैं, हम अभी आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो मेरा वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए हम यहाँ पे पुदीना ले लिए हैं। देखिए कितनी ताज़ी ताज़ी और हरी हरी पुदीना है। इस पुदीना को हम सबसे पहले इसके ऊपर वाले भाग को हम पहले ऐसे तोड़ेंगे और बाद में इसके एक एक पत्तियाँ को तोड़ेंगे और इसे एक प्लेट में अलग रखेंगे। देखिए, और इसके डंठल को हमें नहीं डालना है, डंठल को अलग रख देना है। इसी तरह सारे पुदीना के पत्तियाँ को हमें इसी तरह तोड़ना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इस पुदीना की चटनी को आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं या किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं। किसी भी खाने का स्वाद दोगुना कर देता है और इतना टेस्टी लगता है कि इसका जवाब नहीं है। तो इस पुदीना को हम आज दही के साथ बनाने वाले हैं। दही के साथ पुदीना की चटनी बहुत लाजवाब और टेस्टी होती है। ऐसे तो बिना दही के भी बनाए जाते हैं, पर उसका टेस्ट अलग होता है। और उसका भी वीडियो हम, बिना दही वाले पुदीना का भी वीडियो हम डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम चटनी बनाने वाले हैं वो दही के साथ बहुत बेस्ट लगेगी। तो इस चटनी को बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे और आप हमारी वीडियो को देख पाएँ और हमारे द्वारा बताए गए हर रेसिपी को आप अच्छी तरह से सीख पाएँ और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो हम यहाँ सारे पत्तियाँ को तोड़कर डंठल से अलग कर लिए हैं। देखिए, अब इसको पानी में डालकर हम दो तीन पानी अच्छे तरह से वॉश कर लेंगे। इसको वॉश करने के बाद अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और साथ में हम यहाँ पे चार हरी मिर्च लिए हैं और पांच छह लहसुन की कलियाँ को छील कर लिए हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन और देखिए यहाँ पे हम थोड़ी से दही लिए हैं, इसमें हम चार चम्मच दही डालेंगे। हमें ज़्यादा दही नहीं डालना है, बस चार चम्मच ही दही डालना है इसमें। दही डालने के बाद हम यहाँ पे टेस्ट के अनुकूल नमक डालेंगे और साथ में डालेंगे एक चौथाई चम्मच चीनी। दही वाले पुदीना की चटनी में चीनी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे अब हम बंद करके इसको अच्छे से पीस लेंगे। वाओ, कितनी सुंदर चटनी बनकर तैयार हो गई। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी सरसों का तेल मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी चटनी तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारा यह दही वाले पुदीना की चटनी का रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।